तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम बात कर रहे हैं कस्टम फॉर्मेटिंग। कस्टम फॉर्मेटिंग में हमने लास्ट क्लासेस में बताया था और एक आर्टिकल दिया था पढ़ने के लिए। अलकेत जी आपने पढ़ लिया आर्टिकल? नहीं सर, वो बाकी है पढ़ना। पढ़ लेते ठीक रहता, क्योंकि नहीं पढ़ेंगे सर, आगे हम कंटिन्यू कर पाएंगे ना। एक कल परसों में पढ़ लूंगा सर। बाबर जी आपने पढ़ लिया? जी सर। आपने पढ़ा था ना आर्टिकल को? जी सर, लेकिन पूरा कंप्लीट नहीं पढ़ पाया था, आधा रह गया था बीच में। और जसमीन जी आपने पढ़ा था? चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आखिर मतलब क्या था उसमें, एक बार समझाता हूँ आपको, ठीक है। जैसे कि हमने आपको बताया कि कस्टम फॉर्मेटिंग का मतलब है कि आप लिखे कुछ और दिखे कुछ और। जैसे एग्जांपल में हमने आपको चेक नंबर दिखाया था कि हमने यहाँ पे 1 2 3 इस तरह से डाल दिया और इसके ऊपर हमने क्या किया, कस्टम फॉर्मेटिंग में गए कस्टम, और यहाँ पे हमने क्या किया 1 2 3 4 5 6 सिक्स टाइम जीरो दे दिया, तो यहाँ पर दिख गया। तो आपको दिख रहा है 1 2 0 0 1 2 3, बट एक्चुअल में 0 0 1 2 3 नहीं है, क्योंकि अगर किसी जगह यहाँ पे आप डबल क्लिक करके देखें तो ऊपर भी आपको सिर्फ 1 2 3 दिखेगा, सिर्फ 1 2 3। तो यहाँ हम सिंगल को लगाते हैं 0 0 0 1 2 3 करते हैं। अब ये दिख रहा है तो मैं इसे इग्नोर कर देता हूँ एरर। अब दोनों में एक जैसा दिख रहा है, लेकिन दोनों का अगर आप इक्वल करते हैं तो दोनों आपस में बराबर नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि ये 0 0 1 2 3 है और ये जस्ट 1 2 3 है। इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है टेक्स्ट का। टेक्स्ट इसको सिलेक्ट करते हैं 1 2 3 4 5 6, जो हम कस्टम कोड में डालते हैं वही चीज हम यहां डाल दें। तो आप यहां देखिए सेम दिखेगा, अब दोनों सेम है। तो कहने का मतलब है कि अगर जैसे कभी कंडीशन लगाना हो, जैसे कि हम लोग बैंक का स्टेटमेंट हो गया, कुछ ऐसी चीज हम निकालते हैं जहां पे हमें इस तरह की कंडीशंस लगानी है, वहां पे हम टेक्स्ट फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे, ना कि कस्टम फॉर्मेटिंग का। समझ गए सर? जी सर। एक मिनट दीजिए, एक मिनट। सॉरी सर, चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। और टेक्स्ट फॉर्मूला का और कहाँ कहाँ यूज होता है, चलिए वो भी हम बताते हैं आपको। जैसे कि आपने कोई डेट लिख रखा है और यहाँ भी हमने कोई डेट लिख रखा है, सॉरी डेट लिख रखा है, मान लीजिए हम यहाँ पे 1 जैन और यहाँ पे आज का डेट डाल दिया, तो हम लोग कभी कभी क्या होता है, इसको ज्वाइन करना होता है, कभी कभी हम लोग इसको ज्वाइन करना होता है। तो आप बोले कैसे क्या हुई बात, कौन कटा नेट लगाएंगे, सिलेक्ट किया कॉमा, इसको सिलेक्ट किया, बीच में सेपरेटर चाहिए तो हम लोग यहां पे स्पेस देंगे 2, यहां पे इसको सिलेक्ट करते हैं कॉमा, इसको सिलेक्ट करते हैं। जब
कोई फॉर्मूला अप्लाई होता है ना, तो वो एक्चुअल पे अप्लाई होता है। फॉर्मूला हमेशा एक्चुअल पे ही अप्लाई होता है। सर यहाँ पे नंबर ऑफ डेज काउंट हुए हैं? जी हाँ जी हाँ, क्योंकि डेट दिख रहा है डेट, बट एक्चुअल में है क्या, 11497 है ना, इसमें जब डेट का फॉर्मेटिंग अप्लाई करते हैं तब जाकर डेट बनता है ना। अगर आपको कंबाइन करना है और डेट को डेट ही रखना है तो उस केस में हमें कॉन्कॉर्डेंट डेट के अंदर ही या बाहर आपको टेक्स्ट फॉर्मूला लगाना होगा, इसको सिलेक्ट करना होगा और यहाँ पे डीडी, अब क्या होता है डीडी फॉर डे MMM/YY या जो भी देना है दीजिए, एंड अब इसको ज्वाइन कर सकते हैं कॉन्कॉर्डेंट डेट, तो आपका एग्जैक्ट अब जो होगा वो डेट आएगा। जी सर, और बहुत सारी चीजें हैं तो इसके बारे में बताता हूँ आपको आगे में। जैसे 1000 सेपरेटर है आपका, मान लीजिए मैं यहाँ पे 25,000 डालना चाहता हूँ, बट मैं चाहता हूँ कि 25,000 डालू बट दिखे सिर्फ 25 ही, तो कस्टम में मैं यहाँ पे जस्ट हैश डालूंगा एंड कॉमा डालूंगा, एक हैश एंड कॉमा। अमित जी आपने स्टार्ट की रिकॉर्डिंग? ऑल्ट प्लस आर कीजिए, सेशन रिकॉर्ड हो जाएगा। ऑल्ट प्लस आर, ऑल्ट प्लस आर क्या? जी जी, या वन टाइम रिकॉर्डिंग शुरू हो गई है। नहीं सर, दोबारा दो बार प्रेस कर दिया, स्टॉप हो गई सर, दोबारा कीजिए, अब सही है। ओके ओके सर, बाद में ये और लास्ट वाला सेशन भी भेज देना रिकॉर्डिंग। जरूर जरूर जरूर। Yes, तो हमने यहाँ पे डाला एंड ओके किया तो ये 25 दे दिया। लेकिन ऐसा नहीं है कि 25 नंबर हो गया, अगर मान लीजिए से मैं 1000 जोड़ूंगा तो ये वो 1025 नहीं आएगा, 26,000 आएगा, 26 के आया, क्योंकि हम फॉर्मेटिंग से विजिबिलिटी को चेंज करते हैं ओरिजिनल को नहीं। इसके आगे मुझे मान लीजिए के का यूज करना है तो मैं के डाल दिया, तो यहाँ पे देखिए 25 के आ गया। ऐसे मान लीजिए यहाँ पे मैं एक बड़ा अमाउंट देता हूं और फिर इसमें हम देते हैं 0.0 एंड डबल कोट, 0.0 एंड डबल कोट, ये आ गया 2.6 मिलियन। इसके आगे पीछे भी प्रीफिक्स सफिक्स लगा सकते हैं। कल आपको हैश और कॉमा का एक बताया था क्या होता है, हैश और कॉमा क्यों दिया जाता है, हमने लास्ट क्लास में डिस्कस की थी। इसी में अगर मान लीजिए आपको यहाँ कस्टम पे आते हैं तो यहाँ पे हम जीरो और हैश देते हैं, यहाँ पे देते हैं रुपीज। अब ऐसा क्यों कर रहा हूँ मैं आपको थोड़ी देर बताता हूँ। फिर .00 इसमें आप बोलेंगे सर जीरो और हैश क्यों दिया गया, तो मैं यहाँ पे डबल जीरो भी दे सकता हूँ। डबल जीरो देने पे क्या होगा कि जस्ट पॉइंट में होगा तो डबल जीरो जीरो दिखेगा सर। अगर मैं इसमें डबल हैश दे दिया तो क्या होगा, रुपीज 50 पैसे दिखेगा, जो कि गलत है। इसलिए मैं यहाँ पे एक जीरो और एक हैश देता हूँ, इससे क्या होता है कि जब डेसिमल में होगा तो सिंगल रुपीज होगा और जब वो पॉइंट हम देंगे तो फिर ये 05, मैंने 5 रुपये 50 पैसे किए तो 05 आ गया, दो डिजिट मेंटेन कर। तो हैश और जीरो का ये पंडा पंगा होता है। अब डेट की बात करें तो मान लीजिए मैं कोई भी डेट आज का डेट डालता हूं, तो इसकी जो फॉर्मेटिंग है आप यहां डेट के फॉर्मेट में जाके अपने हिसाब से फॉर्मेटिंग ले सकते हैं। यहां पे बहुत सारे कंट्रीज हैं, कंट्रीज को भी सिलेक्ट की जा सकती है, लेकिन आपको अपने हिसाब का फॉर्मेट चाहिए तो कस्टम पे जाइए। कस्टम पे यहां डी फॉर डे, डी जो होता है डे होता है, दो बार डी डालते हैं तो 012 के फॉर्मेट में आता है। ऊपर देखिए यहां पर दिख रहा होगा आपको 012 के फॉर्मेट में आता है। ओके, अगर तीन बार डालेंगे तो क्या होगा, इस संडे मंडे ट्यूजडे के फॉर्म में आएगा। तीन बार डालेंगे तो क्या होगा, शॉर्ट में संडे मंडे आएगा,
चार बार डालते हैं तो फुल फॉर्म आ गया, देखिए यहाँ पे दिख रहा है ना सर आपको। अच्छा अच्छा ओके ओके ऊपर ओके ओके अच्छा अच्छा राइट 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 तीन चार या चार से ज्यादा बार डाले फिर भी वही आएगा। फिर मैं यहाँ पे डीडी दो बार कर देता हूँ, फिर मंथ एम डालते हैं तो 1 2 3 के फॉर्मेट में आएगा। अगर मैं दो बार एम डालता हूँ तो 0 1 2 के फॉर्मेट में आएगा। मैं तीन बार एम डालता हूँ तो ये जैन 5 शॉर्ट में आएगा। मैं यहाँ पे चार बार एम डालता हूं तो इसमें आपको जैन 5 जो है फुल में आएगा, और पांच बार डालता हूं तो सिर्फ जैन का जे 5 का एफ एंड मार्च का में फर्स्ट लेटर ऑफ द मंथ आएगा। पांच से ज्यादा दे दिया तो फिर वापस वही फॉर आएगा जो आता है आपका, ठीक है। ये वाई के लिए है, दो बार डालेंगे शॉर्ट में आएगा और दो से ज्यादा बार डालेंगे तो फुल फॉर्म है। अब इसको आप अपने हिसाब से जैसे मर्जी लिखना हो लिख सकते हैं, ठीक है, जैसे मर्जी है उसे लिख सकते हैं। उसी तरह से टाइम का है हमारा, यहां पे टाइम अगर आप देते हैं तो क्या होगा कि H फॉर आवर, यहाँ पे H H करते हैं तो आवर, MM करते हैं मिनट और S S करते हैं सेकेंड, और AM PM के लिए AM स्लैश PM कीजिए आपका AM PM आएगा। AM स्लैश PM करेंगे तो आपका AM PM आएगा, राइट। सर ये ऑटो नहीं पकड़ सकता क्या, मतलब 12 के ऊपर गया तो AM होगा और PM होगा, बोले ऑटो ऑटो मतलब 12 13 14 तो एम पी एम ऑटोमेटिकली नहीं हो सकता क्या? ऑटोमेटिक तो है एमपीएम मतलब, नहीं नहीं जैसे कि मैंने डेट दिया और वो मतलब टाइमिंग दिया और उसने एम पी एम ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर दिया। नहीं हाँ वो तो फॉर्मेट के ऊपर होता है, जैसे मान लीजिए आपको 10:20 कर रहे हैं तो यहाँ पे ऊपर AM/PM तो ऑटोमेटिक आता है, बाहर AM/PM चाहिए तो इसके अंदर डेट का फॉर्मेट होता है वो फॉर्मेट अप्लाई कर लीजिए, ठीक है ना? ओके। आता है कि हमने अगर किसी का डिफरेंस रखा है, मैंने यहाँ पे लिख दिया 45 मिनट और 20 सेकेंड या 45 मिनट और 20 सेकेंड, मुझे इसको जो है कन्वर्ट करना है आवर में या मिनट में या सेकेंड में, मिनट में कन्वर्ट करना है। तो बहुत सारे लोग क्या करेंगे इसमें से आवर अलग करेंगे, तो आवर कैसे अलग करेंगे, आवर का फॉर्मूला लगाएंगे? नहीं, तो सिर्फ आपका 20 आवर होगा क्योंकि 24 घंटे के बाद एक दिन बन जाता है, आवर से नहीं होगा। यहां पे आपको हमें टेक्स्ट फॉर्मूला इस्तेमाल करना होगा। अगर मुझे इसमें से आवर निकालना है तो टेक्स्ट फॉर्मूले के अंदर में हमें स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में डालना होगा एच को, देन आवर को अलग करेगा। लेकिन मुझे मिनट में कन्वर्ट करना है तो आवर अलग करने की जरूरत है, मैं डायरेक्टली स्क्वायर ब्रैकेट में एम लिख दूंगा तो ऑटोमेटिकली ये मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो टेक्स्ट फॉर्मूला में करेंगे तो आएगा जिसपे आप कैलकुलेशन वो कर सकते हैं, अगर आपको जस्ट विजिबिलिटी करना है कैलकुलेशन नहीं करना है तो कस्टम फॉर्मेटिंग में ही स्क्वायर ब्रैकेट में एम डाल दीजिए, मिनट के लिए सेकंड के लिए एस डाल दीजिए तो आपका एक कन्वर्ट। ओके सुनाया आप लोगों को? जी सर। डाउट Thank you.
सर ये बेसिकली कहाँ पे यूज होता है ऐसा फॉर्मेटिंग, कौन से डेटा बेस में? जैसे मान लीजिए ना कि आपने किसी का ओवर टाइम निकाला हुआ है, ठीक है, तो ओवर टाइम मिला हुआ है आपको यहाँ पे 45 घंटे 30 मिनट, राइट, होता है ओवर टाइम, राइट राइट। अब ओवर टाइम के लिए फिक्स है कि 90 मिनट के लिए आप जो है 100 रुपए देते हैं या 200 रुपए देते हैं। ओके, हाउ कैन कैलकुलेट कि हाउ मेनी अमाउंट, उस केस में हमें कन्वर्ट करना होगा टेक्स्ट फॉर्मूले में सेलेक्ट करके इसको मिनट में। आफ्टर दैट मुझे इसको 90 से डिवाइड करना होगा, देन मल्टीप्लाई बाय 200। आ गया सर गुड रिजल्ट? आप नहीं होगा, अगर ऐसा नहीं होता तो काफी लेंथी हो जाता ना सर, कैसे करते थे कैलकुलेशन? राइट राइट। तो यहाँ पे कस्टम फॉर्मेटिंग फायदा में आता है। तो कस्टम फॉर्मेटिंग तो एक तो होगा, देखिए दो चीज है इसमें, एक तो है कि विजिबिलिटी के लिए, विजुअल के लिए आप इसका इस्तेमाल कर लें, दूसरा होता है कि आपको टेक्स्ट फॉर्मूले में उसकी कैलकुलेशन के लिए इस्तेमाल कर सकते। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये मेरा कंपनी का नेम है और यहाँ पे एड्रेस है मान लीजिए, राइट, मेरा जो एड्रेस है वो जैसे कि F202 न्यू दिल्ली, सब में सेम है, बस ऊपर का जो आगे का न्यू दिल्ली से पहले का जो ऑप्शन है ना वो सर वो चेंज हो रहा है, बाकी सबका सेम है। तो मैंने क्या किया, कस्टम फॉर्मेटिंग में गया और यहां हमने एट द रेट लगा दिया और इन्वर्टर को हमने दे दिया न्यू दिल्ली, अब मैं यहां पे H200227 एंटर मारा, दिख रहा है सर? बड़े विजुअल है, ओरिजिनल नहीं है सर, बेनिफिट है इसमें? क्या बोल रहे हैं सर, सुनाई नहीं दिया, क्या बोला, क्या बोला आपने अभी? मैं बोला कि यहाँ पे आपने देखा कि इसमें जस्ट हमें अब एड्रेस लिखना है, लास्ट का जो न्यू दिल्ली और पिन नंबर ऑटोमेटिक लग गया। अच्छा अच्छा, रीराइट नहीं करना पड़ा, रिपीटेटिव। यस, लेकिन ये विजुअल है, ओरिजिनल नहीं है, ओरिजिनल में 2021 ही हुआ है। ओके ओके ओके, समझे? है? मतलब T71 ही रहेगा, बाकी दिखते वक्त न्यू दिल्ली ही दिखेगा, बस इतना ही है। ठीक है सर, अब इसमें आगे का जो टॉपिक है वो आर्टिकल पढ़ेंगे तो अच्छा होगा सर, आप लोगों ने आर्टिकल नहीं पढ़ा है, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले आप लोग आर्टिकल को खत्म करें, देन हम इसके आगे की चीजें बताएंगे। इसमें और भी बहुत सारी चीजें हैं सर, अच्छी अच्छी चीज है। तो अलके जी और बाबर जी, आप लोगों ने आर्टिकल को कंप्लीट नहीं किया है, आपने पढ़ाया ना जी कल जो मेरा था आर्टिकल? मैंने नहीं 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 पढ़ा सर। हाँ, तो पहले आर्टिकल को पढ़ लीजिए, उसके बाद हम करेंगे सर। अच्छा सर, एक क्वेश्चन था कल के रिलेटेड था सेशन के। हाँ। जैसे कि हम लोग SAP सिस्टम यूज करते हैं, राइट, तो SAP से जब हम लोग डेटा एक्सट्रैक्ट करते हैं, एक्सेल फाइल डाउनलोड करते हैं, ठीक है, तो काफी सारे नंबर्स जो रहते हैं वो टेक्स्ट में आते हैं, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखो सर, GHI इसमें सारे नंबर्स है बट वो टेक्स्ट में है, तो फॉर एग्जांपल वो एट अ टाइम टेक्स्ट टू कॉलम कैसे करना है, टेक्स्ट टू नंबर एट अ टाइम करना है तो कैसे करना है? जैसे कि आप बोल रहे हैं कि आपके वो कुछ नंबर्स जो है इस तरह से है, सिंगल नंबर है इसमें, है ना, ये बोल रहे ना? हाँ, यस यस। और वो तो भी टेक्स्ट टू सिंपल सा है सर, यहाँ पे नहीं नहीं ये, हाँ यहाँ पे जाके टेक्स्ट टू कॉलम किया और फिनिश कर दीजिए। यस, बट अगर ये हो गया एक कॉलम के लिए, बट मेरे पास ऐसे चार कॉलम है, वो एट अ टाइम मुझे नंबर रिंग करना है। यस,
नहीं, वन बाय वन होगा सर। इसका एक और तरीका है सर, इसके लिए एक और तरीका है, आप क्या करें वन लिखे राइट, इस वन को कॉपी करें, इसको अपने को सेलेक्ट कीजिए, राइट क्लिक, पेस्ट स्टेशन एंड मल्टीप्लाई। ओके, उसको वन लिखना है और स्पेस स्पेशल करना है और मल्टीप्लाई करना है सर, फिर एक बार दिखाएंगे कैसे किया, क्या बोला सर, फिर एक बार दिखाएंगे, रिपीट करेंगे वो स्टेप। अच्छा, कहीं भी वन लिखिए या जीरो लिख दीजिए, अगर है तो जीरो लिख लीजिए, जीरो लिख लिया हमने। अच्छा, इसको सिलेक्ट किया हमने, ओके, पेस्ट स्पेशल, राइट, हम कर देते हैं यहाँ पे ऐड। अब इस नंबर में जीरो ऐड होने से कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा ना, नहीं राइट, लेकिन ये आपका नंबर में इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, टेक्स्ट में से नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट 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 राइट, समझ गए, समझ गए सर, समझ गए, थैंक यू सो मच सर। आपका नंबर क्या है, 9011055377 Yes, yes. है ना सर, यही है, कल की रिकॉर्डिंग मैंने भेज दिया। हेलो, कल की और आज की भी भेज देना सर, क्योंकि आज की रिकॉर्डिंग में टाइम लगेगा, कल की रिकॉर्डिंग में। अच्छा चलेगा, चलेगा, नो प्रॉब्लम। एक्सक्यूज मी सर, हाँ बोलिए सर, हम जैसे ये डेट पूरा पूरा लिखते हैं जैसे 3/1 करके, एक इसका शॉर्टकट की भी है टुडे करके, ओपन ब्रैकेट फिर क्लोज ब्रैकेट, डेट जैसे आज की करंट सिस्टम डेट आपको लिखना है तो कंट्रोल के साथ सेमी कॉलन दे दीजिए, कंट्रोल के साथ सेमी कॉलन। अच्छा ठीक, तो उसमें क्या होगा आपको करंट सिस्टम डेट आ जाएगा। अच्छा, और कुछ? नो सर, ये डाउट था। और किसी को डाउट है? नहीं, फिलहाल तो नहीं सर, पहले हम लोग डॉक्यूमेंट फॉलो करते हैं। जी हाँ, डॉक्यूमेंट फॉलो कीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, बाय, गुड नाइट। ओके।